मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ये वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है और वायरल होने की वजह इस बच्चे का विवादित भाषण है। दरअसल ये वीडियो बिहार के पटना के गांधी मैदान का है। ये बच्चा ज़रूर है मगर इसने ऐसे विवादित बयान दिए हैं कि वीडियो वायरल होने के बाद जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। वीडियो 27 फरवरी का बताया जा रहा है, जिस मंच से इस बच्चे ने आज़ादी के नारे लगाए और पीएम मोदी पर विवादित भाषण भी दिए। कन्हैया कुमार के इस संविधान बचाओ रैली में इस बच्चे ने कन्हैया कुमार के मंच से बिल्कुल कन्हैया कुमार की तरह ही भाषण दिया है। इस बच्चे ने मंच से क्या कहा है सुनिए। हालांकि एक बात और आपको बता दें कि कन्हैया कुमार को दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मामला चलाने की स्वीकृति दे दी है और अब कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कन्हैया कुमार पर 2016 के मामले में देशद्रोह की मंजूरी दी गई है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।